व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो गेमिंग। तो गाइस, आज हम हमारे चैनल पर शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है ग्रैनी। आप सबका पता है गाइस इस गेम के बारे में, बच्चे को पता है, मतलब ये सबसे ओल्ड वर्जन है। सबसे पहले यही वाला ग्रैनी आया था, ग्रैनी 2, ग्रैनी 3 और बहुत कुछ ग्रैनी वाले गेम्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। पर मेरा पर्सनल फेवरेट गाइस, ग्रैनी का कैसा भी गेम आ जाए ना, ये गेम ना मेरे दिल से निकलेगा नहीं यार। इतना खेला है मैंने इसको अभी, मतलब एकदम से मेरे दिमाग में ये वाला गेम फ्लैश हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चैनल पर डाल दिया जाए। तो सबसे पहले इस सीरीज़, ये वाली सीरीज़ जो है मैं कंटिन्यूस रखने वाला हूँ, जैसे कि कार सिम्युलेटर 2 की है। तो गाइस, सबसे पहले इस सीरीज़ की सबसे पहले वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस मोड में खेलने वाले हैं। जिन जिन को प्रैक्टिस मोड के बारे में नहीं पता, मैं अभी बोल दूं कि प्रैक्टिस मोड एक ऐसा मोड है जहां पर ग्रैनी हमें नहीं पकड़ेगी, पर हम वही बहाने में जो है सारा का सारा घर का रास्ता याद कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ कैसे करना है वो सीख सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल मोड में खेल सकते हैं। एंड ऐसे करते करते सबसे हार्ड वाले मोड में भी खेलेंगे गाइस। तो सबसे पहला होने वाला है हमारा प्रैक्टिस वाला मोड। तो चले सबसे पहले प्ले पर जाते हैं। क्वालिटी तो मुझे हाई चाहिए, एंड ये म्यूज़िक रहने दो। एक्स्ट्रा लॉक्स मुझे चाहिए, डार्कर नहीं चाहिए। डिफ़िकल्टी नॉर्मल तो नहीं, प्रैक्टिस मोड क्योंकि ये पहली सीरीज होने वाली है। तो डिफ़िकल्टी प्रैक्टिस, ग्रैनी इज नॉट होम नाउ, यू कैन एक्सप्लोर द हाउस बट नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डेंजर्स। तो मतलब बेसिकली 50% मुश्किल होने वाला है ये। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा गेम को। तो अभी ये हो रहा है, लोडिंग पर है। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता, मतलब सबको पता है यार, बताने की ज़रूरत ही क्या है इस वाले गेम में, फिर भी मैं बताता हूँ। इस वाले गेम में आपके पास होते हैं 5 दिन, एंड आपका एक पर्सनल बेडरूम होता है जहाँ पर ग्रैनी ने आपको किडनैप करके रखा होता है। तो ये होता है हमारा पर्सनल बेडरूम जहाँ पर ग्रैनी ने हमको मार कर यहाँ पर सुलाया होता है। तो ये होता है हमारा बेडरूम। यहाँ पर ये जो कबर्ड वगैरह है, इसमें हम छुप सकते हैं, ऐसे अंदर आके जो है हम छुप सकते हैं। अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लेंगे तो ग्रैनी हमें नहीं देख सकती। एंड ये कुछ ऐसा वॉज उठा लिया, तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने ड्रॉप किया, ग्रैनी यहाँ पर आएगी, वो जैसे ही यहाँ पर आएगी तो उसी बहाने मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। पर बेसिकली ना, इस वाले गेम में ऐसे बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठ के नीचे भी छुप सकता हूँ इमरजेंसी में, मतलब बहुत अच्छा गेम है यार ये। तो ये रहा हमारा बेडरूम। तो बाहर जाएंगे तो मेन घर रहेगा। तो गाइज, अब हम इस वाले घर में लॉक्ड हैं, हमें इस वाले घर से जो है बाहर निकलना है। तो बाहर कैसे निकलना है वो देखते हैं। तो बाई कार या बाई डोर कहाँ से जाऊँ नहीं पता चल रहा है, मेरे ख्याल से डोर ही ठीक रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो गाइज, ग्रैनी ने हमें यहाँ पर मैसेज भी भेजा है कि आई बी बैक सून, ठीक है दादी जी आ जाइएगा, पर अभी थोड़ा सा तो बख्श दीजिएगा प्लीज़, हम मतलब नूब नूब से हैं, बहुत साल हो गए खेले हुए। तो गाइज़ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लॉक्स है गाइज यहाँ पर। तो सबका एक एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर किचन है, बेडरूम्स है, वॉशरूम्स नहीं है, कुछ सीक्रेट रूम्स है, नीचे हमारा जो है गैराज है अलग से, एंड यहाँ पर हमारा गोडाउन है, गोडाउन नहीं बोल सकते, पता नहीं जो भी है, डाइनिंग हॉल है, ग्रैनी की ये स्पेशल वाली रूम भी है। तो अभी जल्दी से हम हमारा प्रोसेस शुरू करते हैं इस वाले घर से बाहर निकलने का। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ किचन में, ये दरवाजे में। तो ये मिल गई हमें स्पेशल की, जो कि शायद स्पाइडर को, स्पाइडर वाले रूम में जाने के लिए काम आती है। तो स्पेशल की जो है यहीं पर रखता हूँ गाइस। इसमें मैं मतलब सारे स्पेशल चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ मुझे मिलेगी जो बाद में काम आएगी, वो मैं यहाँ पर ड्रॉप करके रहूँगा। तो स्पाइडर के रूम का बंदोबस्त हो गया, पर स्पाइडर के पास जाने के लिए हमें मीट भी चाहिए होगा, तो नहीं मिला। ये ग्रैनी की फ़ोटोज़ है जो कि मतलब एकदम बकवास है, कोई काम के नहीं है। तो यहाँ पर मूछ दूंगा मैं फिर से दरवाज़ा। तो इस वाले दरवाजे में हमें मिला पार्ट ऑफ अ शॉटगन। तो पार्ट ऑफ अ शॉटगन हमें हमारे गैराज में जहाँ पर कार रहती है वहाँ पर एक शॉटगन का डायग्राम बना होता है, जिसमें हमें पार्ट्स जाकर प्लेस करने होते हैं। तो हमारी एक शॉटगन जो है फॉर्म होती है, मतलब यहाँ पर देखिए एक पार्ट मैंने यहाँ पर रख दिया, तो अभी भी 2 पार्ट्स जो है बाकी है शॉटगन बनाने के लिए। एंड गाइस, अब चलते हैं फिर से किचन में। तो हमें 2 चीज़ें मिली हैं, एक तो शॉटगन का एक पार्ट, एंड ये हमारा स्पेशल की। तो स्पेशल की हो गया, शॉटगन का हो गया, एंड ये हमारा माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव ओवन OTG जो भी बोलना चाहते हो बोल लो, ये जो भी है, पर इसमें जो है खाना गर्म होता है उतना पता है मुझे। तो गाइज़ यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ग्रैनी मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। तो इस वाले दरवाजे में भी कुछ नहीं है, इस वाले में भी कुछ नहीं है, इस वाले में है, ये रहा हमारा कोड, पार्ट कोड। तो ये पार्ट कोड जो है हमारा यहाँ पर लगेगा, अरे सॉरी कहाँ पर लगता था यार, हाँ यहाँ पर। तो ये एक लॉक, 7 लॉक्स में से एक लॉक अनलॉक हो चुका है, तो इसका तो अभी कोई काम नहीं, तो ड्रॉप कर देते हैं।
तो इस वाले दरवाजे में भी कुछ नहीं है, मतलब क्या यार, ये दादी ने कुछ नहीं छोड़ा यार हमारे लिए आज, हर दिन तो छोड़ती थी। तो ये है हमारी बुक, इससे हम हमारे दादी के रिश्तेदारों को देख सकते हैं, मतलब हमारी दादी इतनी गंदी है कि इस ग्रैनी ने ना अपने खुद की बेटी या माँ जो भी है मुझे नहीं पता, उनको मार कर किडनैप कर रखा है। तो वो सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए ये एक लीवर होता है, ये खोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो यार, क्या यार, मतलब दादी जी इसको, ये मर गई अब सुकून से मिट्टी में तो डाल देते यार, क्या यार ये ऐसे भी कर रही है। तो कोई नहीं, अभी यहाँ पर बुक डाल देते हैं। तो ये गिर गई, ये देखो यार बेचारी कैसे, इसको इतना दर्द से मारा है ना ग्रैनी ने, अभी तक मरने के बाद भी मुंह खोला हुआ है इसने, क्या यार, मतलब सॉरी यार डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे ही सड़ते रहो। तो ये तो हो गया किचन का मामला एकदम ख़त्म, एंड डाइनिंग हॉल का भी। तो ये हो गया गाइस, अब यहाँ से सामने जाएंगे तो हमारा टीवी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर टीवी के पास से इंजन पार्ट है, हम कार से तो नहीं एस्केप करने वाले, तो इसका कोई काम नहीं, यहीं पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर रहते हैं जहाँ पर दादी हमारी हमेशा रहती है, मतलब यहीं पर ग्रैनी रहती है गाइस। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इस वाले टेबल के ड्रॉयर्स में भी कुछ नहीं है, मतलब कहाँ छुपा रखा है यार इसने, क्या यार ऐसे भी करती है ये। तो अभी ये हो गया, एंड ये हमारा वॉशरूम है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं यार इसने, पता नहीं क्यों। यहाँ पर भी कुछ नहीं है गाइस, तो यहाँ पर हो सकता है यार, हाँ ये मतलब कार की बैटरी मिली है, पर इसका भी कोई काम नहीं क्योंकि आपको पता होगा कि हम कार से एस्केप नहीं करने वाले। तो इस वाले ड्रॉयर्स में भी कुछ नहीं है, क्या यार दादी ऐसा क्यों कर दिया यार इसने। ओरे गाइस, स्पाइडर की कहाँ की है, स्पाइडर की गए, स्पाइडर की तो यहाँ पर ऊपर लगती है ना, मतलब ऊपर स्पेशल की लगती है यार, स्पाइडर की नहीं लगती, देखो यहाँ पर स्पेशल की लगती है, आई नीड अ स्पेशल की। ये की कहाँ की है यार, मतलब कुछ तो मुझे काम का दिखा है ये। तो इसको भी हम वो वाली जगह डाल देंगे जहाँ पर मैंने बोला था कि हर स्पेशल चीज़ डालूँगा, यहाँ पर देखिए हमारी स्पेशल की भी यहाँ पर है, एंड ये स्पाइडर की भी यहीं पर है। तो गाइस ये यहाँ पर एक कोई की मिली, पता नहीं कौन सी, यहाँ पर ये ड्रॉयर में देखते हैं, यहाँ पर हमें कटिंग प्लेयर मिला है जो कि एक काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो कटिंग प्लेयर का काम का जहाँ है वहीं पर मैं इसे फेंक के आता हूँ, तो कटिंग प्लेयर का काम यहाँ पर होता है, तो इसे यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ ताकि मुझे ईजी हो जब मैं यहाँ आऊँ। तो इस वाले ये दोनों बेडरूम्स तो देख लिए, अभी सीक्रेट रास्ते को खोलते हैं गाइस। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ रखा होता है जो कि नहीं है, ये क्या है, वन है, पता नहीं क्या है, कुछ नया अपडेट आया क्या गाइस कमेंट्स में बताना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे चेंज लग रही है, जैसे कि स्पाइडर की नहीं थी आ गई है। तो इस वाले ड्रॉयर में बैटरी आया है गाइस, इसकी बहुत ज़रूरत थी, एंड स्पार्क प्लग का कोई तो काम नहीं क्योंकि हम कार से एस्केप नहीं करने वाले हैं, तो बैटरी को उसकी जगह हम लगा के आते हैं, मतलब बैटरी का मतलब बैटरी ना मेन डोर पर लगती है एक लॉक खोलने के लिए। तो जैसे यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा ये लॉक जो है खुल गया, तो 7 लॉक में से 2 लॉक हो गए, तो अभी 5 लॉक बचे हैं। तो गाइस यहाँ पर भी एक सीक्रेट रास्ता है गाइस, तो यहाँ पर एक शॉटगन का हमें जो है पार्ट मिला है, 3 पार्ट्स होते हैं शॉटगन फॉर्म करने के लिए, जिसमें से एक मिल गया, 2 मिल गए, एंड ये क्या है, अ व्हील क्रैंक। नहीं यार अपडेट्स आई हैं यार इस गेम में, मतलब बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं है, अपडेट आया है गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना यार, एंड अगर शाउट आउट चाहिए यार तुम लोगों को चैनल के लिए तो भी कमेंट्स में बता देना यार, तुम लोग का भाई हूँ मैं, शाउट आउट दे दूंगा, थोड़ा सा सपोर्ट तो फ्री में बनता है यार तुम लोगों के लिए। तो ये हो गया 2 पार्ट्स, अभी भी एक पार्ट जो है अधूरा रह गया है एक शॉटगन फॉर्म करने के लिए, अगर वो भी मिल जाएगा तो शॉटगन मिलेगी जिससे कि मैं स्क्रू ड्राइवर जो है ले सकता हूँ। तो गाइस कटिंग प्लेयर का और एक काम है यार, अभी अभी याद आया, मतलब कटिंग प्लेयर का और एक काम भी है जिससे कि मेन डोर का और एक लॉक खुल सकता है, तो वो लॉक है हमारा जो बेसमेंट है ना, बेसमेंट में वो लॉक है गाइस, मतलब एक सर्किट सा बना हुआ है, अगर उसको काटें तो वो खुल जाएगा। यहाँ पर एक वायर है इसको काटना है, एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक वायर है इसको काटना है, तो जैसे इन 2 वायरों को काटा तो कनेक्शन लूज हो गया, एंड ये वाला लॉक भी खुल गया। तो कटिंग प्लेयर का एक काम, तो 2 काम रहते हैं जिसमें से एक हो गया, तो और एक काम की जगह का जहाँ है वहीं पर मैं रख देता हूँ जो कि ये है। तो हमारे बेडरूम्स हो गए, वॉशरूम हो गया, किचन हो गया, डाइनिंग हॉल हो गया, ग्रैनी के पर्सनल रूम हो गए। तो अब जाते हैं हमारा अंडरग्राउंड सीक्रेट वाले रूम्स में। तो ये आ गए हम बेसमेंट में, अब इस दरवाजे को खोलते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है इस वाले टेबल पर, इस वाला दरवाजा, ये वाला दरवाज़ा खोलते हैं,
यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब क्या यार इतना खाली खाली सा क्यों है यार ग्रानी का घर। एंड ये हमारे कौवे के पास रिमोट है जो कि उतना काम का नहीं है, 1% 99% तो काम का नहीं है, कभी कभी काम का रह जाता है वो भी। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई तो लकड़ी का रॉड जैसा है यार। गाइज आई एम पक्का श्योर यार, देखो गाइस मतलब ये नए रास्ते आ गए हैं यार, ये कुछ तो नया अपडेट आया है। ज़रूर कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वाली वीडियो में, मतलब इस वाली वीडियो में ही वो अपडेट्स का जो जो नया आया है वो भी मैं करके देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी चेंज चीज़ें हैं यार। तो ये तो हो गया गाइस, अब जाते हैं हमारे बैकयार्ड में। तो बैकयार्ड यहाँ पर है, तो ये ली मैंने बैकयार्ड में एंट्री। तो अभी रात हुई पड़ी है ये देखो, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर भी सर्किट कुछ काटने हैं, एक लीवर डाउन करना है तो एक लॉक और एक अनलॉक हो जाएगा हमारा मेन डोर का। पर ये करने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो शॉर्ट गन चाहिए। तो ये यहाँ पर यार मतलब कुछ भी नहीं है यार, मैं करूँ क्या यार, इस घर में कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर भी नहीं है, क्या मजाक हो रखा है ये, मैं क्या करूँ यार, सब जगह तो मैंने देख ली शायद से। स्पेशल आई नीड अ सेफ की, मैं समझा इसको स्पेशल की लगेगी पर नहीं गाइस, इसको सेफ की चाहिए। तो मुझे ना थोड़े से डाउट हैं, एक कि व्हील क्रैंक कहाँ लगेगा, दो कि स्पेशल की कहाँ लगेगी। तो ये दो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं जो कि नई अपडेट में आई हैं। गाइस मैं क्या करूँ यार, मैं कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो कौवे का मुझे ये खाना भी नहीं मिल रहा है ताकि मैं उसको उल्लू बना सकूं। इस वाले रास्ते को खोलने के लिए क्या करूं यार मैं, तो ये वाला रास्ता भी बंद है। तो गाइज ये एक रास्ता है, यहाँ पर कुछ रहता तो नहीं, फिर भी जाके देख लेता हूँ गाइज। तो एज यूजल यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये रास्ता हमारे बैकयार्ड में गया है। पर गाइज एक प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत तगड़ी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है कि अब मैं कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या करूँ। आई नीड अ हैमर, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं यार, ऐसे नहीं था हमारा गेम। तो गाइज क्या फॉल्ट हुआ है वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ मिल जाए तो हैमर वैमर मिल जाए तो भी काम बन जाएगा। आई नीड अ कार की, कार की डिक्की में भी कुछ कुछ तो होता है। ओ गाइस चलो गाइस चलो चलो चलो, ये हो गई हमारी शॉर्ट गन असेंबल। तो गाइस शॉर्ट गन हमें मिल गई है, तो अब शायद एक स्टेप आगे बढ़ा सकता हूँ। मुझे शॉर्ट गन मिल गया तो स्क्रू ड्राइवर लूँगा, एंड स्क्रू ड्राइवर से मेन डोर का लीवर डाउन करूँगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर हमारा होता है यहाँ पर, मतलब इसकी तो परमानेंट जगह है, हर बार भी यहीं पर रहता है स्क्रू ड्राइवर। तो ये लिया स्क्रू ड्राइवर, जल्दी से बैकयार्ड में जाते हैं एंड और एक डोर जो है और एक लॉक जो है अनलॉक करते हैं। तो ये आ गया मैं बैकयार्ड में, एंड ये आ गया मैं इस वाले बोट की तरफ। चार स्क्रूज हैं जिसमें से एक निकला, दो निकला, तीन निकला, एंड ये निकला चार। तो ये लीवर किया डाउन, तो अब जाके देखते हैं कि और एक लॉक जो अनलॉक हो चुका है या फिर नहीं हुआ। तो जल्दी से चल के देखते हैं गाइस। तो ये देखो गाइस ये वाला लॉक जो है अनलॉक हो चुका है। तो अब जाते हैं स्क्रू ड्राइवर का दूसरे काम। तो स्क्रू ड्राइवर दो जगह लगता है, एक तो वहाँ पर एंड एक यहाँ पर। तो यहाँ पर सेफ की मिल जाए यार, प्लीज़ यार सेफ की मिल जाना यार, और रस्टी पैडलॉक की। मेरे को बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा है कि क्या चीज़ कहाँ लगेगी। यहाँ मास्टर की चाहिए, यहाँ पर पैडलॉक की चाहिए। तो गाइस पैडलॉक की मेरे पास है पर उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट है जिससे कि ये अंदर नहीं घुस सक रही। तो ये फाइंड आउट करना है कि इसका रस्ट कैसे निकाला जाए गाइस। कुछ तो तगड़ा हुआ यार इस वाले गेम में, तगड़ा वाला ट्विस्ट आया है गाइस। ये देखो मिल गया गाइस, मिल गया। ये कुछ तो है, आई नीड अ स्पाइडर की। तो गाइज मुझे स्पाइडर की इसके
ओ गाइज, अब मुझे डाउट आ गया, वो शायद जो नया रास्ता है ना ये स्पाइडर की तलने से, वो वाले रास्ते में हम जा सकते हैं। तो ये रस्टी की जो है हम यहीं पर रख देते हैं, एंड ये हमारी स्पाइडर की मैंने यहीं पर रखी थी, इसको उठा लेते हैं। क्या यार, बहुत चालाक है ये यार, ये लोग यहाँ पर एक बेसमेंट सा बना रखा है। तो ये रास्ता खुल गया हमारा। ओ शिट, ओ मैं ये कहाँ पर आ गया यार, ये कहाँ पर आ गया गाइस। अरे अरे यार, शिट यार, मैं कहाँ पर आ गया गाइस। तो गाइस मामला अभी बिगड़ चुका है, क्योंकि एक मेरा प्लेयर जो है थोड़ा सा मतलब इसको चोटें लग गई हैं, तो ये थोड़ा सा लंगड़ रहा है। तो ये एक नया रास्ता मिला है, पता नहीं कहाँ का है। तो यहाँ पर दो रास्ते, ये क्या था, यहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं, कुछ तो ये भूल भुलैया सा है यार। तो राइट इज़ ऑलवेज राइट, तो यहाँ पर ही चलते हैं राइट वाले रास्ते पर। यहाँ पर कुछ तो है यार, यहाँ पर कुछ गया था। ये मैं कहाँ गया हूँ गाइस, यहाँ पर इतने सारे रास्ते जा रहे हैं ना, मैं पक्का भटक जाऊंगा। ये देखो यहाँ पर कुछ है यार, ये एकदम खाली है। वहां पर देखो गाइस, गाइस 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 गाइस, ये कुछ तो आ रहा है यार, कुछ तो आ रहा है यार। शिट शिट शिट, आ गया शायद। ये देखो गाइस, ये कुछ तो मॉन्स्टर है यहाँ पर, जिसके साथ मैं फंस चुका है। आई नीड अ व्हील क्रैंक गाइस, व्हील क्रैंक यहाँ का था जो हमने बेसमेंट में देखा था। तो व्हील क्रैंक, तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिससे मुझे बचना है, एंड व्हील क्रैंक जो है को एकदम अलग सेट पे है, एंड मुझे कैसे फिर से घर के अंदर एंटर करना है वो मुझे नहीं पता। तो एकदम साइलेंटली जो है सब कुछ काम तमाम करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे से जाता हूँ गाइस, मरना मुझे, मेरे पास और एक रास्ता है कि मैं मर जाऊँ एंड फिर से ऊपर से व्हील क्रैंक लेके यहाँ पर आऊँ, क्या करूँ। तो वो स्पाइडर कहाँ पर है, तो ये रूम तो मैं विजिट कर चुका हूँ, अब ये रूम में जाके देखते हैं कि क्या है ये वाले रूम में। तो ये रास्ता कहीं तो नीचे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं क्या करूँ यार, मैं गाइस, ओ माई गॉड, तो यहाँ पर एक एस्केप मिल गया गाइस। तो चलो गाइस, ओ माई गॉड, फाइनली मैं फिर से घर में आ चुका हूँ। तो अब मैं वो व्हील क्रैंक जो था ना वो लेके आता हूँ एंड वहाँ पर लगाता हूँ, देन देखते हैं कि क्या होता है। तो व्हील क्रैंक यहाँ यहीं कहीं पे देखा था शायद, यहीं पर। हाँ लो गाइस, ये है हमारा व्हील क्रैंक। तो ये लेकर जाता हूँ मैं फिर से वो वाले जो बम्पर्स है ना टीवी के पास, वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर से जाते हैं गाइस। तो ये आ गया गाइस, इस बार ही तो मुझे लग रहा है कि मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि ये प्लेयर मेरा बहुत ज़्यादा छलांगे लगा चुका है। तो ये प्ले हाउस की है, आयो शिट, कॉगविल है सॉरी। तो यहाँ पर एंटर करता हूँ गाइस, मैं मर जाऊँगा यार, ये प्लेयर ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है।
तो अब इसकी जगह जो है मुझे मिल चुकी है, ये विल्क्रम जहाँ लगाना है। तो अब वो स्पाइडर का ही डर है गाइज, मुझे आ रहा है, देखो गाइज आ रहा है, एक नंबर का जानवर, क्या करेगा, मुझे ऐसे डरता नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसे डरता नहीं है, जा चुपचाप, वैसे तो डरता बहुत हूँ उससे। जल्दी चलो, जल्दी चलो गाइज, चलो गाइज जल्दी गाइज, अगर ये आ गया और मुझे इसने खा लिया तो मैं नहीं बचने वाला। हाँ ठीक है, छोड़ो, बच गया गाइस। तो ये यहाँ पर लगा एंड क्या हुआ, कुछ तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ क्या, ये क्या बात हुई, कुछ भी हुआ नहीं गाइस। ये व्हील क्रैंक का फायदा क्या हुआ है कमेंट सेक्शन में बताओ यार जल्दी से। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर दो, इतना ख़तरा लेके कर रहा हूँ मैं ये, मतलब पहली बार ये न्यू अपडेट का खेल रहा हूँ मैं। तो अब जाते हैं दूसरे रास्ते पर, तो ये तो रास्ता निकलता है हमारा यहाँ पर हमारे गैरेज पर। तो यहाँ के रास्ते थोड़े थोड़े से अब याद हो रहे हैं मुझे। क्या यार ये ऐसा कर रहे हैं यार, तू भी जाके अपना काम देखना, इसका मुंह देखो यार कैसे, क्या क्या खा लेगा, खा लेगा, आ खा, खाना। शिट यार, इसका तो एक इतना डर बैठा हुआ है मेरे दिल के अंदर। तो ये आ गया हमारा दूसरा रास्ता एंड अब मैं फंसने वाला हूँ। तो ये अभी चला गया है, इसी का ये मौके का चौका पकड़ना पड़ेगा, कोई तो नया रास्ता मिल गया है मुझको, जहाँ पर एक और एक ऐसा बॉक्स है एंड ऑब्वियसली ये फिर से खाली है जैसे वो वाला बॉक्स था। यहाँ पर भी एक बॉक्स है, इसमें मेलन मिला है, समथिंग इज इनसाइड दिस मेलन, ओके। तो अब चुपचाप से ना थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा गाइस। तो जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ मिलेगी, जिस वो चीज़ का जहाँ काम है वहाँ पर मैं जा जाके जो है कर दूँगा। तो आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ, हाँ गाइस। तो अब जाते हैं मेलन काटने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो मिल चुका है यार। मुझे एक्स्ट्रा लॉक्स नहीं डालना चाहिए था, मैं सोचा कि इजी है, पर मुझे क्या मालूम था कि कुछ अपडेट आकर और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ये वाला गेम। ग्रैनी के साथ खेला तो मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। प्ले हाउस की, तो प्ले हाउस की का काम मुझे पता है गाइस, यहाँ पर लगेगा वो वाला जो हमने देखा था ना सीक्रेट रास्ते में, स्टार्टिंग में ही मिला था हमको कुछ, तो एक गेयर के जैसा था, तो वो वहाँ पर लगेगा। वहाँ पर वैसे दो लगेंगे जिसमें से एक मुझे पता है कि कहाँ पर है। तो फिर से वहीं पर चलते हैं गाइस बेसमेंट में, खतरों के खिलाड़ी बनकर। वीडियो तो ये शायद लॉन्ग हो जाएगी। ये मिल गया गाइस, यहाँ पर, हाँ यहीं पर जाना है। फिर से गिर गया यार ये बेचारा, बहुत इसमें इसके पैर ने बहुत दर्द सहा है बेचारा यार। अब फिर से जो है यहाँ पर आते हैं एंड बैकयार्ड को जाते हैं एंड इसको जो है लगाते हैं। सिंपल गाइस, टर्बो गेमिंग को कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितना कॉम्प्लेक्स गेम हो। इतना सिंपल था यार, मैं मतलब खाली पीले में डर रहा था, पर वो ना एक तरह से भूल भुलैया जैसा है
जो कि मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं। सच्चे गाइस, वो एक भूल भुलैया है गाइस। एंड ये डोर तो हमेशा लॉक रहता है, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जब वो डोर खुला है। वो डोर पता नहीं, बस वो डोर खोलने की जो है शक्ति ग्रैनी के पास ही है। फिर से यहाँ पर जाते हैं, बेचारा को फिर से गिरना पड़ेगा। एंड यहाँ पर फिर से एक बार गिरना पड़ेगा इसको। सॉरी यार प्लेयर, दर्द थोड़ा सा सहले। तो फिर से अब यहाँ पर जाते हैं इस स्पाइडर वाले। अब देखो ये कैसे आएगा हमको खाने के लिए। अरे आ ही नहीं रहा। वाह गाइस, चमत्कार हो गया। तो अभी चलते हैं इस वाले रास्ते पर, क्योंकि राइट साइड तो मैं चला गया था। यहाँ पर क्या है मुझे नहीं पता। आ गए आ गए आ गए गाइस 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 गाइस। जा यार तू क्या यार ऐसा करता है। फिर से आ गया यार। छी, इसकी आंख तो देखो, मुंह कैसा खोल रहा है। अरे शिट, मैं मर गया यार। ग्रैंडी ने कैसे कैसे से जानवर पाल रखे हैं। तो डे वन तो हो चुका है, अब आते हैं डे टू पर, क्योंकि डे वन में करना इम्पॉसिबल सा था। गाइस मुझे एक बंदे पर भरोसा है जो कि हार्डकोर पर ये सारा कंप्लीट कर सकता है ग्रैनी के साथ। एंड उसका नाम है बीस्ट बॉय शुभ। आपको तो पता ही होगा उसका यूट्यूब चैनल है, बहुत पॉपुलर है यार बंदा बीस्ट बॉय शुभ। जो है एक यूट्यूबर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता है। शाउट आउट देता हूँ मैं बीस्ट बॉय शुभ को। तो वो एक ग्रैनी प्लेयर है, मतलब ग्रैनी गेम्स में वो एक तरह से प्रो है, लेजेंड है वो। तो वो शायद हार्डकोर पर भी कर देगा, मेरा डाउट है, क्योंकि मतलब ये गेम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता। अब ये फिर से मुझे खाने के लिए आएगा क्या? मैं इसे इतना पसंद हूँ। आएगा गाइस, देखो गाइस आएगा। नहीं आ रहा, छोड़ो ना, मत आने दो। तो ये वाला रास्ता नहीं देखा यार, कहाँ पर जाता था। तो यहाँ पर भी एक सीक्रेट रास्ता है। तो ये मतलब एक तरह से पूरा इंटरकनेक्टेड है, तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए बना रखा है गाइस बेसिकली। तो वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर हमारे स्पाइडर साहब हैं, जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा डेंजर है। तो चलो गाइस, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ बच गए। इतना स्ट्रेस हो रहा है यार, ये गेम में प्रैक्टिस मोड में ही ऐसा हो रहा है, मैं तो नूब हूँ। इसको जाने देते हैं। दो दिन तो उसने खा लिया हमें, ग्रैंडी तो नहीं खा सकती क्योंकि वो है ही नहीं घर में। उसने उसका ये जानवर पाल रखा है ना यहाँ पर, कि टर्बो आएगा तो मार दे उसको। ग्रैनी बोल रहा हूँ यार तुझको मैं तेरे से बदला लूंगा, देख एक बार। ये एक तो लंगड़ रहा है तब से, मुझे गुस्सा सा आ रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा गाइस, देखो इतना स्मार्टली खेलूंगा। काश कि सच्ची में खेल दूँ। मैं इतना जल्दी जल्दी करूँगा गाइस, स्पाइडर से कोई डर वर नहीं लगता मुझको। अरे यार, अरे शिट, ये यहीं पे क्यों बैठ गए यार? ये ना इतने एक
मैं उस दिन हार्ट अटैक दे देगा यार। तो काश ये प्लीज ना उससे, अरे शिट 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 यहीं पर बैठा होता यार। मैं नहीं चाहता यार बाहर, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है यार। यहीं पर बैठा होगा पक्का। नहीं बैठा, चला गया। गाइस मौके का चौका मार के मैं भाग के जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। गाइस सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सॉरी सॉरी सॉरी, सब कुछ पता है यार मुझे। तू ना यार, तू थोड़ा सा इतना गुस्सा क्यों यार तुझे, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। मुझे पता है यार तुम लोग अब मेरे एडिट्स बनाओगे हंस हंस के, कि नहीं डरता बोल रहा है टर्बो एंड एकदम डर गया। मेरा पॉपअप करोगे आप तुम लोग क्या यार, तू क्या करेगा तू तू यहीं पे बैठा। देखो इसके ये पैर दिख रहे हैं मुझको, सेंसिटिविटी बढ़ा लूं क्या? ओ अब चल रहा है ना गेम एकदम स्मूथ गेमर के लेवल का। तू जा यार, क्यों सता रहा है मुझको। चलो गाइस चलो चलो चलो, लेफ्ट साइड ही चलते हैं, राइट साइड नहीं तो लेफ्ट साइड ही सही। तो ये एक नया रास्ता है मेरे लिए। हो अब हो गया हमारा स्पाइडर का, स्पाइडर साहब का बंदोबस्त। तो गाइस मीट तो मिल गया, फिर भी सामने जाके देख लेता हूँ कि और कुछ है। ये क्या है, वो क्या मजाक। आई नीड अ रस्टी पैडलॉक की, माय गॉड रस्टी पैडलॉक की यहां पर लगनी थी। तो गाइस मुझे ना इस गेम का सब कुछ समझ आ गया, तो जल्दी से चलते हैं गाइस। अब सब कुछ समझ आ गया मतलब सब कुछ आ गया मतलब हर एक चीज समझ आ गई कि ये ट्रैप कैसे हो रहा है प्लेयर मेरा बेचारा नन्ना मुन्ना सा। अब अगर ये रास्ते में बैठ, मैं बोल ही रहा था कि रास्ते में बैठा होगा तो मैं इसको मार दूंगा गाइस सच्ची में। अरे वहां से आएगा, वहां से आएगा, वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, शिट 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 शिट, वहां से आ रहा है गाइस, वहां से आ रहा है। नहीं 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 यार प्लीज यार मुझे छोड़ दे यार, भाई यार मुझे छोड़ दे यार। क्या यार ये ऐसा कर रहा तो क्या करूं यार, शिट गाइस मेरे हाथ में मीट है इसलिए तो नहीं आ रहा ना ये। धीरे से चलता हूँ गैराज की तरफ, स्पाइडर को खाना खिलाता हूँ एंड फिर से भाग गया। तो यार स्पाइडर यार तू प्लीज मत रहो यार यहाँ पर। चलो हो गया काम, तो इस बार भी बच गया पता नहीं कैसे, मतलब इस बार तो एक्सट्रीमली ज़्यादा डरा दिया था उसने मुझको। तो गाइस अभी स्पाइडर को मीट डालते हैं एंड उसको फिर से धोखा देके उसके वाले उस वाले लॉकर से कुछ निकाल के आते हैं। ग्रैनी का गेम, ग्रैनी वाला जो गेम है, ग्रैनी वाली जो पूरी सीरीज है इनफैक्ट नेक्स्ट लेवल है गाइस नेक्स्ट लेवल। तो अभी मैं लेके आता हूँ हमारी क्या बोलते हैं उसको स्पेशल की जो कि यहाँ पर रखी थी। नया वाला अपडेट सच्ची में बहुत अच्छा है गाइस सच्ची में।
आई अप्रिशिएट, शाउट आउट तो ग्रैनी वाला गेम को ही शाउट आउट देता हूँ यार मैं। तो ये स्पाइडर, पहले मैं तेरे बाप से मिल के आ रहा हूँ वहाँ पर बेसमेंट में, मुझे मत खाइयो प्लीज। ये आ गई है यहाँ पर, ये मिला हमें रेंच जो कि किस काम का भी नहीं है। मैं क्या करूँ यार, रेंच तो गाड़ी के लिए चाहिए होता है, मुझे क्यों चाहिए। तो ये छोड़ो, ये तो हमारा प्लान गया वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो हाँ, रस्टी पैडलॉक की लेते हैं गाइस, उस वाले रास्ते पर चलते हैं अब जहाँ पर वो मतलब वोल्ट सा था ना, GTA 5 में जैसा वोल्ट होता है वैसा। बेचारा बहुत गिर गया यार आज। तो अब जल्दी से वो वाले वोल्ट की तरफ जाते हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि स्पाइडर अभी यहीं पर होगा, मेरा वेट करता होगा। नहीं है तो जल्दी से चलते हैं। अरे यार, इसका मैं सच्ची में गला कर दूंगा, मुझे छुपा के रख दिया, चाबी फेंक के मार दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। बीस्ट गेम है यार, बीस्ट गेम है ये। अब तो चले जा, ठीक है नहीं आऊंगा बाहर, चला जाओ। यहीं पर राउंड मार रहा है यार ये, क्या बाउंसर है क्या तू? यार ये स्पाइडर ना आधा वीडियो को लंबा करेगा। चल निकल, भाग यहाँ से, भाग निकल यार, ज्यादा भी कॉन्फिडेंट नहीं होना, मतलब एकदम से आके मार सकता है वो मुझको। स्पाइडर स्पाइडर, चल चल चल, मौके का चौका, मौके का चौका, ये मार दिया मैंने मौके का चौका। लो गाइस, खुल जा, अब तो खुल जा। आई नीड अ चेन कटर, मैं इसको सच्ची बोल रहा हूँ, मैं इसका क्या हशर करूँगा ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। चेन कटर आई एम डैम श्योर यहीं पर होगा, एंड इसको खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा जो कि है घर के अंदर, ना कि इस बेसमेंट में। इस गेम का मकसद नहीं समझ आ रहा। अरे यार, छी यार, स्पाइडर तू हट जाना है वहां से। आ ना, क्यों अब तेरे से नहीं डरता मैं, सच्ची डर तो लग रहा। मैं तुझे कितना गंदा मारूंगा ना। तो गाइस, मेरे ख्याल से हमें यहीं से एस्केप करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई नया डोर है जो कि बाहर निकलता है। अगर इसके बाद भी कुछ हुआ तो मैं हार मानने वाला हूँ। यहाँ देखो चालाक, ये चालाक को देखो, वहां से यहाँ आया था अभी ये। चलो भागो गाइस, एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिए, जिस बात बदल दिए गाइस। मुझे कोई नया डोर मिला है, ओ ये क्या है, ये तो ऊपर जा रहा है। रुक जा रुक जा, ये कुछ तो मुझे खजाना सा मिला है,
विंच हैंडल। क्या हुआ? डे फोर मुझे किसने मारा गाइस? मैं हार नहीं मानूंगा यार, मैं पक्का वहीं से एस्केप करूंगा यार। अब तो मुझे व्रिंच वाला मिल गया था, तो उसको लेके यहाँ पर पॉन्ड के पास आता हूँ मैं। ये कब कंप्लीटली जख्मी हो गया अब मेरा प्लेयर बेचारा, बहुत दर्द सहा है उसने। इसने इस स्पाइडर का नाम है, क्या ही करूँ मैं, इतना गुस्सा आ रहा है स्पाइडर के ऊपर मुझे। देखो यहीं पे राउंड मारता है यार, क्या तुझे मर सकता है? मुंह देखो, जाके ब्रश करके आने बोले यार इसको कोई। मैं भाग रहा हूँ गाइस, अब मुझे कोई मत रोकना, मुझे कोई रोकना ही मत। नहीं रोका क्या इसने? मैं गलत रास्ता आ गया, मुझे वहाँ लिफ्ट के पास जाना था। चलो गाइस, ये मिल गया। तो मेरे ख्याल से वो डब्बे में बम था। तो ये मैं आ गया। अरे यार मैं स्पाइडर का क्या करूं यार, मैं थक गया यार अब तो। ये स्पाइडर भी नहीं, ये स्पाइडर का बाप है। छी यार, उसकी शक्ल देखो। वो गाइस रास्ता खाली, रास्ता खाली, मिल गया। ओ शिट, बच गया यार। छोड़ो यार, अभी बहुत गंदा वाला हादसा हो जाता, पता नहीं कैसे मैं बच गया। ओके गाइज, अभी मैं बैकयार्ड में जा रहा हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज। तो ये कहाँ लगना था? यहाँ पर, इस साइड। तो कुछ तो ढंग का मिल जाए यार प्लीज़, कुछ कार का मुझे औजार नहीं चाहिए। हाँ लो हैमर आ गया। तो ये मिल गया हैमर। तो ये हैमर से ये वाली लकड़ियाँ काटते हैं। देन हैमर से जो है ये वाली लकड़ियाँ भी काटते हैं। यहाँ पर बताता हूँ, रुको, ये वाली। ये देखो, ये मिल गया रिमोट। आयो सॉरी, ये बर्ड का खाना, इसको फंसाया, लिया मैंने रिमोट। रिमोट लेके जाता हूँ मेंडोर के पास, क्योंकि इसका काम वहीं पे है। ये गेम मुझे बायहार्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत तगड़ा गेम है। इस वाली वीडियो के एडिटिंग में ना हालत ख़राब होने वाली है मेरी। तो रिमोट यहाँ पर लगना था।
ये हो गया अनलॉक, ये मिल गया अ चेन कटर। चलो गाइस हो गया एस्केप। चलो गाइस, चलो चलो चलो, चेन कटर भी मिल गया। तो वो वाला जो वोल्ट जैसा रास्ता जो था ना, वहाँ पर जाके इस गंदे से घर से निकल जाऊंगा मैं। यार ये गेम इतना एपिक है गाइस, आई लव दिस गेम सच्ची। अरे यार ये क्या यार, तेरा प्रॉब्लम क्या है यार, तू यहीं पे क्यों रहता है यार? ये अब तो इसे मालूम हो गया कि मैं थोड़ा सा राउंड वन मार रहा हूँ यहाँ पर, तो ये भी थोड़ी सी चालाक है। स्पाइडर जी, स्पाइडर रानी। चलो 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 चलो, अयो शिट, ओ शिट। अरे ये क्या यार, स्पाइडर तू प्लीज छोड़ दे यार, मैं सच्ची यार तेरी इतनी रिस्पेक्ट करूँगा मैं, तू मेरे से बड़ी है, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं करता तेरी रिस्पेक्ट, क्योंकि अब तो मुझे एस्केप का रास्ता मिल गया, मैं हार नहीं मानता यार। ये लो गाइस, ओपन करो करो, आई नीड अ काइंड ऑफ अ लीवर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना गाइस, ये वाली स्पाइडर कहाँ है रे, ये स्पाइडर कहाँ है रे, इसके मुंह पे कटिंग प्लेयर फेंकूंगा ना, पता चलेगा दर्द दर्द क्या होता है। यहीं पे बैठी होगी, मुझे पक्का कोई बच गया, बच गया, ले तेरी ले। इसका कोई काम नहीं है, तो अब एक ही रास्ता है, वो जो हमारी रियल मतलब बच्ची स्पाइडर जो है ना, जिसके जिसको हमने मीट खिलाया था, वो वाली स्पाइडर के पास जाएंगे हैमर लेकर, एंड वहाँ पर वो जेल में कुछ होगा, कुछ एक काइंड ऑफ लीवर समथिंग कुछ होगा, तो देखेंगे गाइस। मुझे वो ही रास्ते से एस्केप करना है यार, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। ये रहा हमारा हैमर, मेरे पीठ में इतना दर्द हो रहा है, मैं तभी से ज़मीन पर बैठ कर गेम प्ले कर रहा हूँ 1 घंटे से, अब तो 1 आवर, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस। पर ये स्पाइडर को कौन समझाए यार, इसको तो परवाह ही नहीं मेरे पीठ के दर्द का। ये लोग गाइस, ये यहाँ पर रखा कटिंग प्लेयर लेके जा रहे हैं, एक बहादुर खिलाड़ी। ये मिल गई हमें सेफ्टी, ये हो गया जेल का दरवाज़ा बंद, ये इसके लॉक्स को निकाला, ग्रैनी ने बहुत कच्चा जेल बनाया है। तो अब सेफ्टी लेके जाते हैं बेसमेंट में, गाइस मतलब ये ग्रैनी वाले गेम प्ले में अगर मैं फेस रिवील कर दूँ तो बहुत मज़ा आएगा। ये मिल गई कार की, जो कि काम किया है, क्योंकि कार की डिक्की में भी कुछ कुछ मिल जाता है कभी कभार। ये मिली हमें मास्टर की, जो कि कोई काम की नहीं है, क्योंकि हम डोर से नहीं वो वाले वोल्ट से जाने वाले हैं। तो अब एक ही रास्ता है, स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि वो लीवर जो है स्क्रू ड्राइवर में ही होगा, ओ सॉरी, वो वाले डब्बे में होगा जिसमें स्क्रू ड्राइवर लगता है। तो मास्टर की यहीं कहीं पर लगनी चाहिए थी ना। आई कांट ओपन द डोर येट,
तो गाइस अभी वो स्क्रू ड्राइवर के पास जाते हैं, स्क्रू ड्राइवर लेके जाते हैं वोल्ट के पास। एंड मुझे नहीं हो रहा, मैं इस घर से जल्द जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द एस्केप करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। ये वीडियो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि अब तो मेरे हाथ से एडिटिंग नहीं हो रही, मैं थक चुका हूँ। तो अब जल्दी जल्दी जाके काम करता हूँ यार, मुझे बोर हो रहा है यार, क्योंकि यहाँ पर इस वाले बेसमेंट में इतने राउंड मार दिए मैंने। अभी देखना ये स्पाइडर सब यहीं पर राउंड मार रहे होंगे, मेरा अंतर साइड देखो। हाय, तेरे को मैं यही भी देख के मार दूंगा। इसको तो मैं फेंक के पक्का मारूंगा यार, इसको मैं अब यहाँ पर आएगी ना तब मारूंगा। हाँ क्यों, अब क्यों नहीं आ रही? ये प्लेयर में दम ही नहीं है, फेंकने को भी नहीं हो रहा है इसको। चलो गाइस, चलो चलो, अगर मैं ये स्पाइडर को जब के बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेट होगी, तो बहादुरी दिखानी पड़ेगी, एंड मैंने दिखा दी। तो अब ये वाले ओपन करते हैं। देखो अब मुझे पैडलॉक ही मिल गया, तो मैं एस्केप तो कर सकता हूँ, पर मुझे यहीं से करना है। मैं करूँ तो करूँ कैसे? पैडलॉक को यहीं पर रहने देते हैं गाइस। इसके ऊपर चढ़ा दूंगा देखो। हाँ ना देखो, हाँ डर के भाग गई मेरे से। तो गाइस अब एक ही रास्ता है, सबसे एंड वाला, जहां मैंने एक कदम तक नहीं रखा, तो वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा। इस पैडल फिर से मेरे पीछे पड़ गया। तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? सच्ची बोल रहा हूँ, तुझको मार दूंगा। ये देख, मैं ये समझ गया बोला ना, अब मैं चैनल को दिखाऊंगा, मैं यहाँ से भाग लूंगा। ये रास्ता बोल रहा था गाइस मैं। तो मेरे पास शॉटगन तो है गाइस, तो शॉटगन लेके आते हैं एंड इस वाले दरवाजे को अनलॉक करते हैं, एंड वो लीवर जैसा जो भी है ना, वो वहीं पे है। तो मुझे याद आ गया। तो गाइस ये लिया मैंने शॉटगन, ये मैंने इसे की रीलोड। जल्दी से चलते हैं नीचे। यहाँ पर मारते हैं ताकि
खुल जाए एंड ये क्या है, अ वुडन स्टिक। तो ये हमारा लीवर का काम करेगी, वो जो वहाँ पर होल था ना वो उस वाले होल में ये स्टिक घुसा के जो है इसको उसको रोटेट करके दरवाज़ा खोल सकते हैं शायद, मुझे पता नहीं क्योंकि उसने मेंशन तो नहीं किया कि मुझे लीवर ही चाहिए, उसने बस ये बोला कि आई नीड अ लीवर काइंड ऑफ थिंग, तो ये लीवर के जैसा काम कर सकता है। तो अब मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अब एस्केप चाहिए एंड चाहिए तो चाहिए बस उसी रास्ते से चाहिए, मैं मेन डोर से नहीं करना चाहता, मुझे और नया रास्ते से ही करना है गाइस, ये मेरी जिद है। अब ये देखना स्पाइडर बाबा यहीं पर जप रहे होंगे, मेरा नहीं है ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ देखा बोला ना ऐसा नहीं हो सकता, यहीं पर हो गया देखो, भूख लग रही है तब से देख रहा हूँ उसका चेहरा, बस मुंह उसका हिला ही जा रहा है ये। वेट गाइस, उसको थोड़ा सा ना दूर जाने देता हूँ मैं, चले गई नहीं गई यार, तुझको भूख लगी है तो बोल यार, कुछ खाने को ला दूंगा, खाने का कहाँ ना खाना कहाँ से लाऊं यार, भूख ही मरने दो उसको। तो गाइस अगर इस बार ये आई ना गाइस, मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार, मैं कुछ तो कर ही दूंगा इसको गुस्से के मारे। तो गाइस चालाकी दिखानी ही पड़ेगी, इसको झपके रहे तो नहीं होगा, मैंने फिर से दिखा दी, बोला ना कि यही लीवर हो सकता है। क्या हुआ, खुल जा गाइस, फाइनली आफ्टर अप टू 1 आवर ऑफ गेम प्ले एस्केप कर लिया इस छुड़ैल से, तेरे से हिसाब लूंगा बेटा मैं, भूलना मत, द एंड। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है डेडिकेशन से, दिल से यार दिल से थैंक यू, एंड जिन्होंने नहीं देखी स्किप करके देखी है उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो काशा क्या यार, मैं मतलब दीवाना हो गया यार ये गेम खेल के। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट करो, 200 सब्सक्राइबर्स का मैं 1000 सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए, हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 1000 रीच करने के लिए, जल्दी से जाओ 1K सब्सक्राइबर्स करते हैं यार जल्दी यार। तो बाय गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बाय गाइस।